वेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम के सीनियर कंसल्टेंट थेरेसिक एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी ने प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि रमा मेडिकल सेंटर में लंग की ओपीडी शुरू हुई है, जिसमें मैं स्वयं महीने के तीसरे शुक्रवार को होगी, क्योंकि यहां पर बीमारियों का प्रभाव हमारे लंग पर पड़ रहा है। लोगों को लंग कैंसर हो जा रहा है, इसका दवाइयों से इलाज एक लेवल तक हो पाता है, उसके बाद इलाज सर्जरी ही होती है। ये सर्जरी जैसे अमेरिका में होती है, वैसे ही गुरुग्राम वेदांता में होती है, जिसकी ओपीडी रमा मेडिकल सेंटर में शुरू हुई है। ये गोरखपुर के लिए अच्छी खबर है। यहाँ के मरीजों को अब गोरखपुर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 10,000 मरीजों की सर्जरी कर चुके हैं, जो कि अब सभी लोग स्वस्थ हैं। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए वेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम के सीनियर कंसल्टेंट व लंग ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी ने कहा। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी हूँ। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन, छाती का सर्जन हूँ और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। वेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम से आया हूँ बेसिकली। सो आज हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, हम इस बात के लिए हुए हैं कि हमने यहाँ पे आपके गोरखपुर में हमने जो छाती की सर्जरी की या लंग की सर्जरी की सुविधाएँ होती हैं उसकी ओपीडी स्टार्ट की है यहाँ पे। तो जो रामा मेडिकल सेंटर है यहाँ पे, वहाँ पे ये ओपीडी हर महीना हुआ करेगी। अब ये जो सर्जरी होती है ये एक अत्याधुनिक सर्जरी है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आजकल की बीमारियां हैं उनका इफ़ेक्ट्स जो है सबसे ज़्यादा आपने कोविड में भी देखा होगा कि हमारे लंग्स पे पड़ रहा है। सो उसमें कई प्रकार के नए वायरल इन्फेक्शन आ रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, लंग कैंसर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। अब इसकी जो दवाइयों से इलाज होता है वो एक लेवल तक हो पाता है, उसके बाद जो इलाज करना होता है वो सर्जरी से करना होता है। और ये सर्जरी जो है जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होती है वैसी ही हमारे वेदांता गुरुग्राम में स्टार्ट हो चुकी हैं और उसी की ओपीडी हमने यहाँ स्टार्ट की है। जो आपके पास ये एक पर्चा है जो हमने प्रेस रिलीज आज दिया है, ये एक स्टोरी मैंने लिखी थी कुछ दो हफ्ता पहले, जब हमने अपना 7वां प्रत्यारोपण फेफड़ा प्रत्यारोपण किया था। तो ये जो फेफड़े थे हम एक मृत डोनर से लेने गए थे जूनागढ़ गुजरात में। तो जो मुझे वहाँ पे महसूस हुआ, जो गुजरात गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, जो भारत सरकार ने हमारी हेल्प की वहाँ तक पहुँचने में, और जो उस फैमिली से जिसने वो डोनेशन किया था, जो अंगदान महादान कहा जाता है, जो ये डोनेशन किया था उसकी जो मार्मिक स्टोरी थी, मैंने वो एक सोशल मीडिया में और प्रेस के लिए मैंने वो स्टोरी लिखी थी, वो आप सबके पास आज उसका हिंदी अनुवाद आपके पास है। तो मोटी मोटी बात ये है कि छाती की सर्जरी की सर्विस की ओपीडी और लंग ट्रांसप्लांट की ओपीडी हर महीने आपके गोरखपुर में हुआ करेगी।